यूपीएससी परीक्षा में लिख प्रश्न पत्र लिख क्यों चला आपको? नीतीश कुमार गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नीतीश कुमार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। कल नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। तरीके से बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक हुआ है, तब से ही हमेशा ही स्टूडेंट का आक्रोश सामने आया, क्योंकि बिहार की इतनी प्रतिष्ठित परीक्षा है, उसके बाद भी उसका प्रश्न पत्र इस तरीके से लीक हुआ है। आप यहाँ का नजारा देखिए, ये जो नजारा है वो जन अधिकार छात्र परिषद के द्वारा यहाँ पे पटना यूनिवर्सिटी के बाहर लगाया गया। आखिर क्या कुछ मांग कर रहे हैं, हम इनसे ही जानते हैं क्या मांग कर रहे हैं। हम लोग एक दिवसीय धरना पे बैठे हुए हैं। हम लोग सभी जन अधिकार छात्र परिषद का मांग है कि जो बीपीएससी में जो बिहार का नॉलेज टेस्ट है, जिसे बड़े बड़े आईएएस आईपीएस बीडीओ सीओ बनते हैं जिस एग्जाम से, और इस एग्जाम में इस तरीके का धांधली होना कहीं नहीं कहीं सरकार छात्रों की जिंदगी के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है। हम लोग का सीधा मांग है, इसमें आप छोटी मछली को पकड़ना बंद करिए, और जो बड़े बड़े माफिया इन्वॉल्व हैं उसकी आप पकड़ने का कोशिश करिए, और ये तभी होगा जब सीबीआई जांच होगा। और हम लोगों ने लगातार देखा है कि 2014 के बाद एक भी ऐसी वैकेंसी नहीं हुई बिहार सरकार में जिसमें घोटाला नहीं हुआ, जिसमें प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ, और ये सरकार सिर्फ खाना पूर्ति करने का काम करती है। तो हम सरकार से सीधा मांग करते हैं कि आप सीबीआई जांच करिए, और दूध का दूध और पानी का पानी। ऐसा क्यों? क्योंकि बिहार की इतनी प्रतिष्ठित परीक्षा, उसके बाद भी ऐसा क्यों? ये कोई पहली बार बीपीएससी में इस तरह की बातें नहीं हुई है। बिहार के युवाओं 17 सालों से सभी एग्जाम में, लगभग सभी एग्जाम में, बीपीएससी हो, बिहार कर्मचारी आयोग हो, बिजली विभाग हो, शिक्षक हो, सीटेट हो, सब में भ्रष्टाचार की दंश झेल रही है यहाँ की छात्रों। मैं साफ मांग करता हूँ नीतीश कुमार जी से कि आप सीबीआई जांच अभी तक क्यों नहीं किया है? जब तक सीबीआई जांच आप नहीं बैठाते हैं, तब तक जन अधिकार छात्र परिषद और पप्पू यादव आंदोलन रत्न हो गए। मैं ये आज आह्वान करता हूँ। इतनी मेहनत करते हैं बच्चे, उसके बाद प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। सही बात है, देखिए सिर्फ साल भर नहीं, कई सालों से लोग प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद इतनी कई लोग दिल्ली से आए हैं या बिहार के विभिन्न कोनों से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके एग्जाम दिए हैं, फिर पता चलता है प्रश्न पत्र लीक हो जा रहा है, तो ये बहुत दुख की बात है, और बिहार सरकार के लिए शर्म की बात भी है। जो आप इतना, आपके पास एक सिस्टम है, फिर भी वो सिस्टम बिल्कुल फेल हो जा रहा है, आपका एक आईएएस जिसका आप संलिप्तता पाई जाती है, तो ये बहुत ही शर्म की बात है बिहार सरकार के लिए। और हम मांग करते हैं जो जिस भी आईएएस का नाम है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। तो देखिए, जन अधिकार छात्र परिषद के द्वारा ये लोग एक दिवसीय धरने पे बैठे हैं, जांच की मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच की, क्योंकि जिस तरीके से बिहार की इतनी प्रतिष्ठित परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ है, तो सरकार को इसका जवाब तो देना ही होगा। स्नेहा गुप्ता की रिपोर्ट, कशिश न्यूज़, पटना।